दो दिलों को करीब लाए एक बेहतरीन समा बन जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैलेंटाइन डे की। प्यार ये शब्द सुनते ही मानो दिल कहीं खो सा जाता है। जाने अनजाने किसी एहसास की अनुभूति हमारे मन को प्रफुल्लित कर जाती है और शायद ऐसी ही भावना हमें प्यार की सीख दे जाती है। अक्सर जब हम प्यार के बारे में अपने अल्फाज जाया करते हैं तो हमें प्रेमी जोड़ों की याद आती है, जैसे लैला मजनू, रोमियो जूलियट, सलीम अनारकली और राधा कृष्ण, जिनकी अमर प्रेम कहानी ने हमें प्यार का असली महत्व समझाया व दिखलाया। लेकिन प्यार की भावना प्रेमी प्रेमिकाओं तक की जोड़ी नहीं, इसके अलावा भी कई रिश्ते हैं जिसने निस्वार्थ प्यार को दर्शाया है, जैसे माँ के प्रति बच्चों का प्यार हो या किसी खास व्यक्ति को खास प्यार जताने का एहसास। अपने प्रेम को दिखाने और बताने के लिए 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। आमतौर पर हम इसे प्यार साझा करने का दिन कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं। प्रेम किसी के प्रति भी हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैलेंटाइन डे का चलन यूरोपीय देशों से चला आ रहा है, लेकिन आज के समय में यह दुनिया भर में सभी लोगों द्वारा मनाया जाता है। इस दिन को लेकर युवाओं में उमंग उत्साह होता है। अपने प्यार को किसी के प्रति साझा करने का, न सिर्फ अपने प्यार का इजहार करना इस दिन को लोग बेहतरीन बनाते हैं, बल्कि अपने साथ एक नए इंसान की आशाओं को भी स्वीकार करते हैं और भावनाओं की कद्र करते हैं। फरवरी का महीना ही होता है प्यार का महीना। यह प्यार का महीना 7 फरवरी यानी रोज डे से शुरू होकर वैलेंटाइन डे तक पहुंचता है, जिसे हम प्यार का सप्ताह भी कहते हैं, या यूं कहें फरवरी का पूरा महीना प्यार भरा महीना होता है। प्रेमियों की जरूरत नहीं किसी अल्फाज की, प्यार तो एक वजह है एहसास की। आप पास हो तो दो दिल और करीब आ जाते हैं, जाने अनजाने एक बेहतरीन समा सा बन जाते हैं। कुछ सोचो तो आपका ही ख्याल आता है, कुछ बोलू तो आपका ही नाम आता है। कब तक छुपाएं अपने दिल की बात, आपकी हर एक अदा पर हमें प्यार आता है। एनबीसीएन के सभी दर्शकों को वैलेंटाइन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी वैलेंटाइन डे। ब्यूरो रिपोर्ट, रूपा पंडित, बीसी न्यूज, नागपुर।